एक्स्ट्रा घूस मांग रहे हैं। हाँ, तभी नहीं तो अगर नहीं कोई भी काम अगर नहीं देंगे तो कोई भी काम नहीं कर देगा। हम लोग तो पढ़ल लिखल नहीं है, पढ़ल लिखल नहीं है। वो लोग का जैसे है जो कि हम लोग पढ़े लिखे वहाँ जाएंगे जाके साइन करेंगे। वो लोग पढ़े लिखे हम लोग को खुशामद करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हर चीज में पैसा 2000, 1000, 500, 3000 रुपया दो डर से देना पड़ता है। लेकिन अभी तक मेरा राशन कार्ड बहुत समस्या है, ना बाथरूम है, ना बिजली बिल है, ना घर द्वार है। देखे ले, देखे हम लोग का घर किस तरह भंगा फूटा में रहते हैं, और उसका भी देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये परिस्थिति हमारा धनबाद जैसा शहर में, जहाँ बगल में रायसीना का आवास है 500 मीटर दूरी में, लेकिन सिर्फ बड़ा बड़ा घोषणा करता है। और अभी का जो मोमेंट है, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ का महिला काफ़ी भाजपा से आक्रोश है, और अगर भाजपा वाला इधर आएगा तो हमको लग रहा कि उन लोग को पकड़ पकड़ के लोग रखे। लोग को देखने के लिए रायसीना जी कभी भी नहीं आया। 10 साल रायसीना यहाँ के विधायक के रूप में रहे। अभी जिस घर में मैं पहुंचा वहाँ खटिया तक नहीं है, जमीन पर बूढ़ी माँ सोई हुई है। यहाँ बाथरूम का समस्या है कि महिला कहाँ जाएगा बाथरूम करने के लिए, महिला छत नहीं है रहने का, कि कहाँ पर अपना जो माथा ढकेगा। ये परिस्थिति हमारा धनबाद जैसा शहर में, जहाँ बगल में रायसीना का आवास है 500 मीटर दूरी में, लेकिन सिर्फ बड़ा बड़ा घोषणा करता है। और अभी का जो मोमेंट है, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ का महिला काफ़ी भाजपा से आक्रोश है, और अगर भाजपा वाला इधर आएगा तो हमको लग रहा कि उन लोग को पकड़ पकड़ के ये लोग रखेगा, क्योंकि बहुत ठकने का काम किया। और हम चाहेंगे इन लोग का जो दुख है, इस दुख के साथ सपन मोदक खड़ा है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा खड़ा है, टाइगर जयराम महतो खड़ा है। इस सिस्टम को हम लोग बदलेंगे, और जितना भी कष्ट है, देखिए अभी तो दीदी और बोल रही है कि पैसा भी मांगता है। क्या दीदी राशन कार्ड बनाने खोज रहे हैं तो 3000 रुपया मांग रहा सही है। लोग जो पैसा दो तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, पैसा घूस मांग रहे हैं। हाँ, तभी नहीं तो अगर नहीं कोई भी काम अगर नहीं देंगे तो कोई भी काम नहीं कर देगा। हम लोग तो पढ़ल लिखल नहीं है। वो लोग का जैसे है जो कि हम लोग पढ़े लिखे वहाँ जाएंगे जाके साइन करेंगे। वो लोग पढ़े लिखे हम लोग को खुशामद करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हर चीज में पैसा 2000, 1000, 500, 3000 रुपया दो डर से देना पड़ता है। लेकिन अभी तक मेरा राशन कार्ड। अच्छा, आप लोग जो दिए हैं क्या कुछ सुविधा मिला है? नहीं, मेरा राशन कार्ड बनबे नहीं किया, पैसा नहीं दे रहे, कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी पैसा उतना जो देंगे तो अभी इतना छोटा छोटा 5 गो बच्चा है, 12 घर में रहते हैं, आदमी का हाथ टूटा है, कमाने वाला कौन है? दूसरा घर में बर्तन धोते तब पेट चलाते हैं, लेकिन राशन कार्ड नहीं बना के दे रहा। पैसा तो 3000, 5000 तब बना के देंगे, तो इसीलिए नहीं बनाए। आज कम से 10 साल से नहीं बनाए, सब दिन तो यहाँ हैं, तो क्या बोले? बताइए, हम लोग को भी सुविधा दीजिए। हाँ दीदी, ये तो कहाँ लेंगे हम लोग? दूसरा घर में बर्तन धोते है, छोटा छोटा बच्चा है, राशन कार्ड नहीं है, मजदूर कार्ड नहीं, कोई चीज नहीं है, खाली वोट दो बस। वोट देने का समय में सब लेता है, कोई चीज करने नहीं देता हम लोग को। तो क्या दीदी, अभी इलेक्शन आ रहा है, 20 तारीख को चुनाव है, क्या कुछ करने वाले हैं इस बार? कहे नहीं करेंगे, हम लोग को सुविधा दीजिए, हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग को घर नहीं है, द्वार नहीं है, सब दिन यही कहे हैं हम लोग, घर द्वार कुछ नहीं है। इस बार किनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? सुविधा देगा हम लोग उसी को देंगे, जो सुविधा देगा हम लोग उसी को देंगे। कम से कम एक छात भी तो देना चाहिए। जयराम महतो का नाम सुने हैं? हाँ सुने नहीं तो, लेकिन अभी तो सुने हम लोग कि हाँ भाई उसका नाम है, वोट में खड़ा हुआ। देखिए छोटा छोटा बाल बच्चा है, कहाँ लेके जाएंगे? आ चलिए दिखाते कहाँ कौन जगह पर रहते, कितना जंगल झाड़ी में एक रूम अल्बेस्टर का पानी चूता है, 5 गो बाल बच्चा है, लेके रहते हैं। आदमी हाथ टूटा हुआ, पूछिए ना, हाथ टूटा हुआ, कमाना नहीं सकता है, 3 घर 4 घर खटते हैं तब बाल बच्चा पोसते हैं, लेकिन फिर भी कोई राशन कार्ड नहीं बना के दे रहा। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है राय सिन्हा जी, कभी आप लोग के बीच नहीं आए हैं? नहीं, कभी नहीं आया, कभी नहीं आए, नहीं कभी नहीं आया। ये देख सकते हैं जो कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोलाकस्मा लिपिडी में अभी मौजूद हूँ। दीदी लोग आप समस्या सुन लिए कि जो कि यहाँ पे राय सिन्हा जो कि 10 साल यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, और कभी इन लोगों के बीच ना आए हैं, ना कभी इन लोगों को कभी सुविधा दिए हैं उस तरह का। जो दीदी लोगों का काफी समस्या है, जो इन लोगों का घर नहीं है, जो बाथरूम, इस तरह बहुत समस्या है जो दीदी लोगों का, जो कि अभी कुछ दूर नहीं हुआ है। और चलिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि इस बार बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
क्या दीदी? रोड भी नहीं है, पानी निकलेगा कैसे रोड के? बाहर बाल बच्चा निकलेगा घुसेगा, वो सब कुछ है ये नहीं है। रोड में लाइन नहीं है, पोल कुटा ऐसे पकल है, कुछ का नहीं है। सब इसका दुआरी से उसका दुआरी से लाइन ले लेके चला रहा है, कहाँ लाइन का सुविधा? जरूर इस बार बदलाव होगा दीदी। हाँ तो बदलाव होगा तो बदला ही है, तब ना हम लोग बदलेंगे। हम लोग के लिए कुछ कीजिएगा तब ना हम लोग करेंगे। वोट लेने के समय में वोट लेते हैं, चल जाते हैं, उसके बाद कुछ जाएंगे को साइन कराने के, अभी नहीं है बाद में आना। अच्छा ऐसे ही बोलते हैं? सब ऐसे ही बोलते हैं। एक देखे यही बच्चा लोग आधार कार्ड बनाने सोचे बनाएंगे, लेकिन नहीं बना दिया, बोला कि अभी घर में नहीं है, आधार कार्ड का साइन लाइए मुखिया का, तब आधार कार्ड बनेगा। अभी बच्चा का आधार कार्ड नहीं बना, स्कूल में नहीं ले रहा, यही बच्चा मेरा ही है, नहीं बना इसका आधार कार्ड। तीन को बच्चा का बना, दो को बच्चा का नहीं बना, काहे की? देखिए कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समस्या है, और इस समस्या को तभी दूर हो सकता है जो कि यहाँ पे कोई अच्छा विधायक आए, कोई अच्छा नेता आए। तो चलिए वीडियो को ही अंत करते हैं, जोहार नमस्कार रहेगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए कि क्या यहाँ पे धनबाद विधानसभा में इस बार बदलाव होगा कि नहीं होगा। चलिए जोहार।